बिस्मिल्लाहिर्रहमान अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपकी मतलब फिर शामदीद कहता हूँ जॉब स्टार डेली जॉब यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज किस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार जॉब की जो डिटेल्स हैं वो शेयर करने जा रहा हूँ। जी फ्रेंड्स, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी FPSC की जानब से नई जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है, जो कि इन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2021 के थ्रू अनाउंस की है, जिसमें मुल्क भर से मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। जॉब्स काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज़्यादा हैं, तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है, उसका स्किप नहीं करना, ताकि आप इन जॉब्स के बारे में और इनमें अप्लाई करने के तरीके के बारे में मुकम्मल तफसीलात हासिल कर सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो जाने बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश होगी, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं या आपने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट जॉब्स की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। फ्रेंड, जैसे कि आप सामने यहाँ पर स्क्रीन पर ऐड शो हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कंसोलिडेटेड एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2021। इसमें जो फ्रेंड्स लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 19 अप्रैल है, 19 अप्रैल 2021 तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर मैं फ्रेंड्स आप जो असामियाँ उनकी तदाद शेयर करूँ, तो यहाँ पर ये 180 तक असामियाँ बनती हैं, और इसमें अगर असामियों का जो है वन बाई वन अगर मैं आपका जिक्र करूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की असामी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में है। इसी तरह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में, इसके अलावा डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर की, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में जॉब्स हैं, और इसमें जो है बैचलर्स डिग्री रिक्वायरमेंट है। इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर की यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में, इसमें मास्टर्स डिग्री रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर की यहाँ पर जो है यहाँ पर ICT यानी इस्लामाबाद पुलिस में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में असामियाँ हैं, और इसमें बैचलर्स डिग्री यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर की असामियाँ हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में है। उसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे असिस्टेंट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की जो है वो इस्लामाबाद पुलिस में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में है, इसमें मास्टर्स डिग्री रिक्वायरमेंट है। इसी तरह नेक्स्ट जो फ्रेंड यहाँ पे असिस्टेंट डिप्टी डिस्ट्रिक्ट जो है प्रोसिक्यूटर की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में असामियाँ हैं, इसमें जो है बैचलर्स डिग्री रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर की जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में यही असामियाँ हैं, इसमें बैचलर्स डिग्री रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर लीगल की जो है बैचलर्स डिग्री रिक्वायरमेंट है, जो कि असामियाँ जो है मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग में ये यहाँ पर पोस्ट हैं। उसके बाद प्रोटोकॉल ऑफिसर की फ्रेंड यहाँ पे असामियाँ हैं, इसमें बैचलर्स डिग्री रिक्वायरमेंट है, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन में है। और उसके बाद यहाँ पे अकाउंटेंट की जो है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ यहाँ फेडरल एजुकेशन, और इसमें जो है यहाँ बैचलर्स डिग्री रिक्वायरमेंट है। उसके बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल की जो है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन में, जो कि पाकिस्तान नेशनल कमीशन में है, और मास्टर्स डिग्री यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। उसके बाद लेक्चर फीमेल की यहाँ 55 पोस्ट हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग में, जो कि फेडरल डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद में है, और इसमें जो है मास्टर्स डिग्री रिक्वायरमेंट है। सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे मेंशन है, जिसमें बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, पाक स्टडीज़, उसके अलावा फिजिक्स, पोलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, स्टेटिस्टिक्स और इसी तरह के और सब्जेक्ट्स यहाँ पर शामिल हैं। इसमें जो है एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ, तो फ्रेंड्स इसमें एज लिमिट भी यहाँ पर मैंशन है, यहाँ 22 से लेकर 28 साल एज लिमिट है, 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन आपको ऊपर एज लिमिट में यहाँ पे दी जा सकती है। इसमें फ्रेंड्स अगर नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर मैथमेटिक्स की हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन में है, इसमें जो यहाँ पर मास्टर्स डिग्री रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है यहाँ पे असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में सामिया है, और इसमें जो है रिटायर्ड और रिलीज्ड ऑफिसर ऑफ आर्म फोर्सेज जो हैं इंक्लूडिंग JCO जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वेटनरी ऑफिसर की जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में असामियाँ हैं, इसमें जो वेटनरी ग्रेजुएट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जो है यहाँ पे असामियाँ हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में है, इसमें मास्टर्स और बैचलर्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टर टाउन प्लानिंग की यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, इसमें जो है बैचलर्स डिग्री यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा स्टाफ ऑफिसर की जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है वो भी, और इसमें जो है मास्टर्स डिग्री रिक्वायरमेंट है। उसके बाद डिप्टी आर्मामेंट ऑफिसर की यहाँ पे असामियाँ हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, पाकिस्तान नेवी में, और इसमें मास्टर्स डिग्री रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा सीनियर प्रोस्थेटिक्स एंड अथॉरिटीज की यहाँ पे शामिल है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, इसमें जो आपने BS अगर किया हुआ है इसमें रेलिवेंट फील्ड में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की यहाँ पे शामिल है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स में है, और इसमें बैचलर्स डिग्री यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स में शामिल है। इसी तरह डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर की जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स में है। उसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर की यहाँ पे जो है असिस्टेंट डायरेक्टर हज की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी में है, इसमें मास्टर्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर हज की यहाँ पे सामने है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी में है, बैचलर्स डिग्री इसमें रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा डिप्टी असिस्टेंट सॉलिसिटर की यहाँ पे सामने है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में है। इसके अलावा असिस्टेंट की यहाँ पे सामने है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कश्मीर अफेयर्स एंड ग्लोबल बल्तिस्तान में सामने है, इसमें बैचलर्स डिग्री रिक्वायरमेंट है।
उसके अलावा डायरेक्टर की यहाँ पे जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो में असामियाँ हैं और इसमें मास्टर्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एडवाइज़र की मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी में असामियाँ हैं, इसमें यहाँ पे मास्टर्स रिक्वायरमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बात करूँ तो न्यूरो फिजिशियन की असामियाँ हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विस रेगुलेशन कोऑर्डिनेशन में है, और इसी तरह जो ये असामियाँ हैं मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज में है। उसके अलावा यहाँ डायरेक्टर लॉ लैब NEQs की असामियाँ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज में है, इसमें मास्टर्स डिग्री यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा डिप्टी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की जो है असामियाँ है जो कि फाइनेंस डिवीजन में है, इसमें मास्टर्स डिग्री रिक्वायरमेंट है। इसी तरह यहाँ पे ब्रेल प्रेस मैनेजर की जो असामियाँ है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स में है, इसमें मास्टर्स यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है असिस्टेंट डायरेक्टर नॉन टेक्निकल की यहाँ पर असामियाँ है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पेट्रोलियम डिवीजन में है, इसमें मास्टर्स है। इसी तरह डायरेक्टर सिस्टम की मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बात करूँ डिप्टी फाइनेंशियल एनालिस्ट की असामियाँ हैं जो कि फाइनेंस डिवीजन में होगी, और इसमें अगर आपने आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद को सेकंड जो फ्रेंड्स इमेज है वो मैं साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। इसमें जो फ्रेंड्स सेकंड नंबर पे जो एड्रेस में यहाँ पे डायरेक्टर सीनियर एग्जामिनर की असामी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च में है, इसमें यहाँ पे बैचलर्स रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की यहाँ पे असामियाँ हैं, और इसमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च में असामियाँ हैं, इसमें मास्टर्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट जो फ्रेंड्स असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोटोकॉल ऑफिसर की यहाँ पे जो असामियाँ है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी में है, मास्टर्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरियन की यहाँ पे असामियाँ हैं, इसमें जो है ये भी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च जो प्लांट यहाँ ब्रीडर्स राइट्स रजिस्ट्री में है, मास्टर्स इसमें रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बात करूँ लाइब्रेरियन की, यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री ऑफ लैंड जस्टिस में असामियाँ हैं, इसमें जो है आपने अगर मास्टर्स किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद रिसर्च ऑफिसर एपिडेमियोलॉजी की यहाँ पे सामने है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च में, इसमें अगर आपने मास्टर्स किया हुआ रेलिवेंट फील्ड के अंदर तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट एनिमल हस्बेंड्री कमीशन की ये FPSC जॉब 2021 में नेक्स्ट पोस्ट है, और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च में है, इसमें मास्टर्स यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। रिसर्च ऑफिसर प्लानर की फ्रेंड यहाँ पे असामी है जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी एंड रिसर्च में है, ये यहाँ पे मास्टर्स रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अब डायरेक्टर की पोस्ट है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च में, इसमें बैचलर्स रिक्वायरमेंट है। उसके बाद लास्ट फ्रेंड्स यहाँ पे पोस्ट है वो एग्जामिनर की है जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च में, इसमें बैचलर्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। नीचे फ्रेंड्स इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मैं आप सभी शेयर कर देता हूँ जो कि आपने ऑफिशियल वेबसाइट FPSC की उसके थ्रू आपने अप्लाई करना है। इसकी जो अप्लीकेशन फीस होती है वो मैं साथ यहाँ पर शेयर कर दूँ। PS16 से लेकर 17 तक RS300 है, उसके अलावा BS18 के लिए अगर आप अप्लाई करें तो उसके लिए 750 है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो BS19 के लिए यहाँ पे 1200 है, उसके अलावा BS20 से अब अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके यहाँ पे 1500 फीस होगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर फ्रेंड यहाँ पे मैं बात करूँ तो रिलैक्सेशन, अगर अपर एज लिमिट की बात की जाए तो 5 साल की अपर एज लिमिट की रिलैक्सेशन जो है वो जनरली यहाँ पे दी जाती है, और कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू एज पर पॉलिसी ऑफ कमीशन। फ्रेंड इसके बाद अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है मेरिट की बेसिस पर इंटरव्यू के लिए यहाँ पे कॉल किया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे इसको अपने थॉरली पढ़ लेने, और जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे हैं वो आपने इनको फराहम कर देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बात करूँ तो कंडक्ट ऑफ टेस्ट है, चेंज ऑफ सेंटर, अगर आप चेंज ऑफ सेंटर करना चाहते हैं तो आपने जो है ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है जो कि 30/6/2021 तक आप उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। लास्ट डेट इसमें दोबारा रिपीट कर दो 19 अप्रैल है। इसमें अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने इस पोस्ट को ओपन कर लेना है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कंप्लीट डिटेल फॉर्म में आपको पोस्ट यहाँ पे मिल जाएगी, आपने यहाँ पे हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन में आ जाना है। यहाँ पे आपको एक क्लिक डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म वाला बटन मिल जाएगा, आपने इसको ओपन कर लेना है। अब जैसे इसको ओपन करेंगे आपके सामने FPSC की ऑफिशियल वेबसाइट जो है यहाँ पे लोड हो जाएगी। अगर आप इसमें जो है अप्लाई ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आप इसका चालान फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपने क्लिक पर क्लिक करके यहाँ से चालान फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। हम अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे जो है इसका स्टेप 1 ओपन हो जाएगा। इसमें आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसको आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्लीट जो है यहाँ पे आपके सामने उसकी जो डिटेल्स होंगी आ जाएगी। आपने अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फर्दर आपने CNC नंबर अपना और जिस स्टेट को आपने फी डिपॉजिट करवाई होगी बैंक में वो आपने यहाँ पर लिख देनी है, जितनी फी आपने यहाँ पे डिपॉजिट करवाई है वो आपने लिख देना है। उसके बाद बैंक नेम लिख देना आपने, और उसके बाद जिस बैंक में आपने सबमिट करवाई होगी, इसमें बेसिकली नेशनल बैंक में आप सबमिट करवा सकते हैं इसको।
उसका बैंक ब्रांच और कोड आ जाएगा, बैंक लोकेशन डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, यानी आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने सबमिट करवाई है वो आपने हमें मैंशन कर देना है। इतना फर्द नीचे सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद आपने प्रोसीड टू स्टेप टू कर देना, जहाँ पे आपसे डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपीज और बाकी डिटेल्स मांगी जाएंगी। आपने वो फॉर्म करके इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर लेना। इसके बाद शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स को इंटरव्यू और टेस्ट के बाद ये जॉब्स जो हैं PSC की जानब से क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों में अनाउंस की गई हैं वो ऑफर कर दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।